तो हाँ बच्चों, आज बारी है हमारे बालों की। बालों में हम स्पा कराते हैं, खुश तो बहुत हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 दिन में फिर से वही कंडीशन हो जाती है। या तो फिर दोबारा वहाँ पर नंबर लगाओ, वेटिंग करो, और हमारा जब नंबर आए फटाफट बालों में बहुत सारा खर्चा भी करो और टाइम भी दो। लेकिन बार बार हम कितनी बार जाते हैं यही सोचते हैं, मन को मार लेते हैं। तो मन को बिल्कुल मत मारिए, आज घर में DIY बनाइए और हेयर स्पा जो है क्रीम उसे घर में ही बना डालिए। तो हेयर स्पा की जो क्रीम बनाएंगे उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, सिंपल से इंग्रेडिएंट जो कि आपके घर के किचन में ही है। तो पहले लेते हैं हम चावल। अब आप यही सोच रहे होंगे कि चावल में ऐसा है क्या जिससे हम चिपचिपा करके बालों में लगाएं। सच में यही मैं भी सोचती थी, पर जब चावल के फायदे देखे ना तो उसके बाद हैरान हो गई हूँ। आपको तो मैं बना के दिखाती हूँ, साथ में खुद भी यूज़ करती हूँ और उसका एंजॉय करती हूँ। मैंने अपने बालों को इस एज में जब ठीक करना शुरू किया है, तो आप तो छोटे हो, आप अभी से ही जब बालों की केयर करोगे ना उसके बाद कभी आपके बालों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पता है आपको बालों में चावल क्या करते हैं? बालों को घना होने में चावल ही मदद करता है। चाहे चावल का आप पानी यूज करो, चावल को उबालने के बाद बिना नमक के चावल का जो पानी होता है, जो स्टार्च होता है, उसको आप यूज कर सकते हो, या इस तरीके से ये स्पा बना सकते हो। बालों में कई तरीके के इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनमें भी हमें चावल ही बचाता है। चावल हमारे बालों को मुलायम कर देता है और बालों की जो जड़ें होती हैं उसको मजबूत पकड़ के रखता है। डैंड्रफ तो कभी होने नहीं देता, अगर डैंड्रफ है भी तो उसे आप फौरन छुटकारा पा लेंगे। 2 से 3 बार यूज करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। और एक बात, अगर आपके बालों में चमक नहीं है तो फिर से खोई हुई चमक वापस आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस मास्क को हमने बनाया कैसे। चावल के स्पा को बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो चावल का आटा, जो बहुत ही इजी तरीके से हमारे घर में होता है और उसका यूज भी बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास चावल भीगे रखे हैं, आप किसी वजह से खाने में बना नहीं पाए हैं, तो उन चावल का भी आप यूज कर सकते हो, पर ये चावल आपके बिना नमक के बनेंगे। अगर पहले से बने हुए चावल हैं बिना नमक के, तो उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि उस चावल में घी, ऑयल, नमक कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप या तो इस चावल को विसल लगा लो, अच्छे से मैश कर दो, बिल्कुल मैश करके छान लो, या मेरी तरह इस तरीके से क्या कीजिए, 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 2 से 2.5 चम्मच चावल का पाउडर डाल दीजिए और उसे ठंडे में पहले मिक्स कीजिए। अगर आप डायरेक्ट गैस पर रख देंगे तो होगा क्या, ये लम्स हो जाएंगे। तो पहले आपको ठंडे पानी में मिक्स करना है, ठंडा मतलब नॉर्मल। जब मिक्स हो जाए अच्छे से, तब इस पैन को आप रख दीजिए गैस पर। और इसी मिश्रण से मैं आपको क्रीम भी बताऊंगी जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो मुझे चाहिए वो है फ्लैक्स सीड्स, वो है अलसी के बीज, जो कि मार्केट में इजीली आपको मिल जाता है। अलसी के बीज का कैसे जेल बनाया जाता है ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा होता है जेल के रूप में। लेकिन आज हम इसे क्रीम बनाएंगे, स्पा की क्रीम बनाएंगे, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया बालों को मुलायम कर देगा, इतना स्ट्रेटनिंग कर देगा कि बहुत ही अच्छा लगेगा बालों को, बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ से हो जाएंगे। सबसे पहले पैन में अच्छे से पानी डालिए जिससे चावल उबले, और उसके बाद आप ये फ्लैक्स सीड्स के 2 चम्मच इसके अंदर डाल दीजिए। फ्लैक्स सीड्स जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे तो धीरे धीरे उबलेगा, और वो जो लचीलापन जो एक पदार्थ सा निकाल देता है उबलने के बाद, तो वो भी इसी के अंदर मिक्स होता चला जाएगा। दोनों मिलकर एक इतना बढ़िया मिश्रण तैयार हो जाएगा जिससे हमें बालों में बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर आएगा बालों के अंदर। तो ये देखिए, जब दोनों उबल उबल के इतना गाढ़ा सा पेस्ट हो गया है, अब इस पेस्ट को दोनों ही चीज़ों का जो सत था, हमें जो बेनिफिट्स थे, सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो इस गरम गरम को ही आप छान लीजिए, कोई पीसने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, बस छान लीजिए। एक बात और, इसे ठंडा होने मत दीजिए, अगर आप ठंडा होने दे देंगे ना तो होगा ये कि ये चिपक जाएगा, इतना गाढ़ा हो जाएगा कि आप छान नहीं पाओगे, इसलिए गरम गरम में छान लीजिए। पर हाँ, गरम गरम बालों में लगाना बिल्कुल नहीं है, इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिए, भले ही आधा घंटा लग जाए, या जल्दी है तो नीचे पानी रखकर आप इसे ठंडा कर सकते हैं। पूरा जब तक ठंडा ना हो तब तक बालों में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ये देखिए, ये स्पा की एक क्रीम तैयार हो गई है। थोड़ा सा मिश्रण मैं निकाल देती हूँ, हमें क्रीम बनानी है बाद के लिए, लेकिन पहले मैं बालों के लिए इसको ठंडा कर रही हूँ। इसमें क्या चीज़ें और मिला सकते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो 2 टेबल स्पून डाल दीजिए इसके अंदर दही।
फ्रेश दही, जो दही भी है ना हमारे बालों को कंडीशनर देने में बहुत ही अच्छे से मदद करता है, और अगर कोई इन्फेक्शन हो स्कैल्प पे वो भी ख़त्म कर देता है। आप चाहो तो इसमें एक अंडा मिक्स कर सकते हो, आप चाहो तो आप इसमें प्याज का रस भी डाल सकते हो। सारी चीज़ें मददगार हैं और सारी चीज़ें हमारे किचन में ही मिल जाती हैं। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा नींबू का रस। नींबू का रस अगर आपके बालों में सूट करता है तभी डालिए, अगर सूट नहीं करता तो आप उसे स्किप कर सकते हो। अब ये पैक बना रही हूँ मैं अपने बालों के लिए, तो मैं तो नींबू इसके अंदर डालूंगी। आप सोचिए ना, मेरी एज के बालों में यदि मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप तो अभी से ही शुरू कर दीजिए। अब ये रखने से थोड़ा और गाढ़ा होगा, थोड़ा और ठंडा होने दीजिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे बालों में अप्लाई करेंगे। और ये बात भी है कि आपको कितना यूज़ करना है, डिपेंड करता है कितने लंबे बाल हैं। इसे अंदर स्कैल्प पे भी लगाना है और पूरी लंबाई में भी लगाना है, तो आप ये खुद देख पाएंगे कि आपको कितना यूज़ होगा। बाल अगर बहुत ज़्यादा लंबे घने हैं तो हो सकता है ये आपको कमी पड़ जाए। मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा घने लंबे नहीं हैं तो मुझे इतना ही यूज़ होगा। अंदर पूरी जड़ों तक भी लगाइए और स्कैल्प पे लगाइए और पूरी लंबाई में लगाइए, और लास्ट में हल्के हाथों से इसे मसाज भी करना है। आप यहाँ पर धीरे धीरे देखते जाइए और किसी की मदद लेकर ही आप कर सकते हैं, खुद हो सकता है आप अच्छे से यूज़ ना कर पाएं। हमने इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किए हैं, तो ये नेचुरल चीज़ें, तो नेचुरल चीज़ों में थोड़ा सा तो वक्त लगता है। तो जैसे पार्लर में हमें आधे घंटे में काम हो जाता है, वो हमारा काम होगा 2 से 2.5 घंटे में। तो आप इसे लगे रहने दीजिए, आप उस पर कोई पुराना सा कपड़ा चुन्नी लगा लीजिए या शावर कैप लगा के अपना काम करते रहिए। 2 से 2.5 घंटे कम से कम लगा रहेगा ना, उसके बाद आपको बढ़िया सा रिजल्ट आएगा। और एक बार आप यूज़ करके देखिए आपको कितना अच्छा लगता है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इसमें जो मैंने दही डाला है, नींबू डाला है ना, अब अगर आप बालों में लगा रहे हो तो अंदर आपको खुद फील होगा कि अंदर कुछ ना कुछ वो काम कर रहा है आपकी स्कैल्प पर। अब बताती हूँ मैं, वो जो थोड़ा सा पार्ट रखा था मैंने इस मिश्रण का, उसे हम स्किन पर कैसे यूज़ करें। इसे हम बनाकर फ्रिज में 1 वीक के लिए रख सकते हैं और इसे स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलाने वाली हूँ वो मैं बता रही हूँ। ये देखिए, कम से कम 2 से 2.5 चम्मच मेरा वही मिश्रण था जो कि हम चावल और फ्लैक्सीड से बना चुके थे, उसी में कोई दही वगैरह मैंने नहीं यूज़ किया। उसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच एलोवेरा। एलोवेरा जेल आप डालिए या फ्रेश एलोवेरा की पत्ती जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए विटामिन ई का कैप्सूल। एक से बढ़कर एक चीज़ें जो आपके फेस के लिए भी बेस्ट हैं। अब इसे किसी साफ जार में भर कर क्रीम नुमा बना कर रख दीजिए। जब भी आपको नहाना है सुबह, नहाने से आधा घंटा पहले 15 मिनट पहले इसे फेस पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद जैसे ये ड्राई हो जाए आप नहाने चले जाइए। आपके स्किन पर जो टाइटनिंग आएगी, जो ब्राइटनिंग आएगी, वो बहुत ही अमेजिंग आएगी। कोई भी चीज़ एकदम से एक बार यूज़ करने से नहीं होता है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसे यूज़ कीजिए। हो सकता है आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। जब बालों को आपने अच्छे से वॉश कर लिया, अब बालों को आप देखिए, मैंने कोई हेयर ड्रायर यूज़ नहीं किया, मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ कुछ भी, मैंने शैम्पू यूज़ नहीं किया, मैंने कंडीशनर यूज़ नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ वॉश करने के बाद थोड़ा सुखाया और बालों में कंघा कर रही हूँ। जो बाल हैं कितने अच्छे लग रहे हैं आप खुद देखिए। जो आप हर हफ्ते जाते थे स्पा करवाने, उससे आपको कितना अच्छा लगने लगा जब हफ्ते में आप खुद घर पर करने लगे हैं ये स्पा। हेयर वॉश पहले से कर सकते हैं तो वो भी करिए, अगर आप चाहें तो बाद में भी हल्के शैम्पू से भी वॉश कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। पर जो उसने फ़ायदा देना था आपके बालों को, वो 2-3 घंटे में आपको मिल ही जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल न करें।